नमस्ते, आज हम सीखेंगे कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आप कोविड प्रिवेंशन के लिए भी कर सकते हो, जो कोविड पेशेंट्स हैं वो भी इसको कर सकते हैं, एंड आफ्टर कोविड जब आपको ब्रेथलेसनेस वगैरह जब फील हो रहा है तो उस टाइम पे भी आप ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। खास करके जिनका ICU स्टे हुआ है या जिनके थोड़े कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है उनको बहुत ही कंफर्ट जोन में ये चीज़ करनी है। मतलब ज़्यादा अपने आप को ओवर स्ट्रेन नहीं करना है, लिसन टू योर बॉडी लिमिट। यहाँ पे हम लोगों ने जो रेशियो रखा है वो रेशियो है 3 और 6, मतलब कि आप जहाँ पे भी ब्रीद इन करोगे यानी सांस भरोगे वो 3 सेकेंड्स का ब्रीद इन होगा, और जब सांस छोड़ोगे तो आप उसको डबल यानी कि 6 सेकेंड तक उसको ब्रीद आउट करना है। अगर आप 3 और 6 में कंफर्टेबल नहीं हो, ज़्यादा आपको अनईजी लग रहा है, तो आप इसको 2 और 4 भी कर सकते हो, एंड 3 और 6 अगर आपको ईजी लग रहा है तो आप उसको 4, 8, 5, 10 उस हिसाब से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग 3 ब्रीदिंग सीखेंगे जो कि अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारे ओमकार भ्रामरी या अनुलोम विलोम वो सारे प्राणायाम तो हम लोग कर ही सकते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि जैसे ओमकार एंड भ्रामरी के टाइम हमको खास करके थोड़ा कफिंग का प्रॉब्लम आता है, खांसी शुरू हो जाती है, उस टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं। सो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू डू पर्स लिप्स ब्रीदिंग्स, मतलब कि आपको क्या करना है, जस्ट आपको नाक से ब्रीद इन करना है एंड आपको जो होंट है होंट के बीच में से धीरे 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 ब्रीद आउट करना है ऐसे। ध्यान रखिए आपको जोर से ब्लो नहीं करना है, नॉट लाइक दिस, जस्ट दो होंट के बीच में से हल्के से धीरे धीरे सांस छोड़नी है ऐसे। यहाँ पे आप आराम से कुर्सी पे पूरा बैक सपोर्ट लेके बैठ सकते हो, और ज़्यादा ब्रेथलेस हो रहा है तो यू कैन जस्ट टेक एल्बो सपोर्ट कुर्सी पे बैठ के, एंड यू कैन बेंड फॉरवर्ड एंड यू कैन डू द सेम ब्रीदिंग। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ब्रीदिंग, पर्स्ड लिप्स ब्रीदिंग। सो हम 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 सो
हम सो हम सो हम सो हम